फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न टेक्नोलॉजी। मेरा नाम राजन है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको मोबाइल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे IPS LCD डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले, सुपर AMOLED डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले क्या है और उसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। कौन सी डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी बेटर है, इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कौन सी डिस्प्ले वाला फ़ोन आपको लेना चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अभी के टाइम में स्मार्टफोन में उपयोग होने वाली मोबाइल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। टच स्क्रीन स्मार्टफोन के युग में डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूनिक फीचर्स बना गया है। आजकल मार्केट में बहुत सारे टच स्क्रीन फोन वाले अवेलेबल है, बट क्वेश्चन ये है कि उनमें से कौन सा सेलेक्ट करें। सो हम यहाँ आपको इन सब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं, जिससे आप कभी भी कोई फ़ोन परचेस करते हैं तो आपको डिस्प्ले कंपेरिजन करने में आसानी हो। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हुआ है TFT LCD। तो चलिए बात करते हैं कि TFT LCD डिस्प्ले क्या है। TFT LCD का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन में यूज होने वाली सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पतली फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है इमेज क्वालिटी को बनाने के लिए। ये टेक्नोलॉजी बेटर इमेज क्वालिटी और हाई रिजोल्यूशन देती है एज कम्पेयर टू LCD डिस्प्ले। TFT स्क्रीन बहुत पावर कंज्यूम करती है, जिससे स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ ओवर हो जाती है, क्योंकि ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बहुत चीपर है, इसलिए ज़्यादातर लो बजट स्मार्टफोन और मिडिल बजट स्मार्टफोन में इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होता है। और जो फ्रेंड दूसरा टेक्नोलॉजी हुआ है IPS LCD। तो चलिए बात करते हैं IPS LCD डिस्प्ले क्या है। IPS LCD का फुल फॉर्म है इन फेस स्विचिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये टेक्नोलॉजी को पहली बार डेवलप किया था हिटाची कंपनी ने 1996 में। ये टेक्नोलॉजी बेटर व्यूइंग एंगल देती है। IPS LCD लो पावर कंजम्पशन करती है, जिससे स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बढ़ती है। ये टेक्नोलॉजी बेटर डिस्प्ले क्वालिटी देती है एज कम्पेयर टू TFT डिस्प्ले। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है, तो सिर्फ हाई एंड स्मार्टफोन में ही देखने को मिलते हैं। एप्पल ने आईफोन 4 में हाई रेजोल्यूशन वाले IPS डिस्प्ले का उपयोग किया था, जिसको वो रेटिना डिस्प्ले कहते हैं। और जो फ्रेंड तीसरा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वह OLED। तो चलिए बात करते हैं OLED डिस्प्ले क्या है। OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये टेक्नोलॉजी हाई ब्राइटनेस बेस्ड कलर प्रोड्यूसिंग वाइडर व्यूइंग एंगल और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स देती है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी कंपेयर टू LCD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से बहुत बेटर है। OLED की ऑर्गेनिक लेयर LCD और LED की क्रिस्टलाइन लेयर से थिनर, लाइटर और मोर फ्लेक्सिबल होती है। OLED एक LED डिस्प्ले से ब्राइटर होती है और उसका LED की तरह बैक लाइटनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका पावर कंजम्पशन लेवल बहुत लो होता है, जिससे बैटरी लाइफ बेटर होती है। ये टेक्नोलॉजी हमें गूगल नेक्सस, मोटो और सैमसंग के कुछ फ़ोन में देखने को मिलती है। और जो फ्रेंड्स जो चौथा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वह है AMOLED डिस्प्ले। तो चलिए बात करते हैं AMOLED डिस्प्ले क्या है। वो AMOLED डिस्प्ले का फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये टेक्नोलॉजी OLED का एडवांस वर्जन है। ये टेक्नोलॉजी 1 OLED और 1 TFT डिस्प्ले को ऊपर नीचे करके बनाई जाती है। वो AMOLED डिस्प्ले का परफॉर्मेंस OLED, LCD और TFT से काफ़ी बेटर होती है। पावर कंजम्पशन लेवल लो होता है, इसका इमेज क्वालिटी बहुत ही शार्प होता है, थिकनेस बहुत ही कम होती है, इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है और इसका रिस्पांस टाइम भी एज कम्पेयर टू LCD और अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बहुत कम होता है और इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। और जो फ्रेंड्स चौथा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वह है सुपर AMOLED डिस्प्ले। तो चलिए बात करते हैं सुपर AMOLED डिस्प्ले क्या है। सुपर AMOLED डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले का एडवांस वर्जन है। ये टेक्नोलॉजी सैमसंग ने डिज़ाइन की है अपने स्मार्टफोन के लिए। सैमसंग सुपर AMOLED डिस्प्ले में इंटेल मैट्रिक्स सब पिक्सल डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। क्लासिक RGB मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू मैट्रिक्स डिज़ाइन में से ग्रीन सब पिक्सल को रेड और ब्लू में शेयर कर देते हैं, जिससे केवल दो ही मतलब कि रेड और ब्लू ही सब पिक्सल में होते हैं पेंटाइल मैट्रिक्स के डिज़ाइन में। सैमसंग इससे आगे और भी डिज़ाइन बना रहा है, जैसे कि सुपर AMOLED HD, FHD, सुपर AMOLED ETC। सुपर AMOLED डिस्प्ले बहुत बेटर क्वालिटी है और बहुत ही पावर सेवर टेक्नोलॉजी है।
चलिए फ्रेंड्स, जो अगला टेक्नोलॉजी है वह है रेटिना डिस्प्ले। तो चलिए अब बात करते हैं रेटिना डिस्प्ले क्या है। ये नेम एप्पल रजिस्टर किया हुआ है। रेटिना का मतलब अपनी आंखों से जुड़ा हुआ है, इसे एप्पल ने बहुत ही हाईलाइट किया हुआ है। ये एक आईपीएस डिस्प्ले का एडवांस वर्जन है जिसमें कोई डिस्प्ले में मिनिमम 163 पिक्सल पर इंच यानी कि पीपीआई या इससे ज्यादा पिक्सल डेंसिटी हो वो एक रेटिना डिस्प्ले ही होती है। फ्रेंड्स, रेटिना डिस्प्ले की जो पिक्सल डेंसिटी होती है वह बहुत ही ग्रेटर होती है, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ही हाई होता है और इसका जो व्यूइंग एंगल होता है वह आईपीएस टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों, आपको मोबाइल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मोबाइल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।